जम्मू में एक धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ पर भड़की हिंसा, उग्र भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़, फूंकी कई गाड़ियां। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई तीखी झड़प, पथराव पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। धार्मिक स्थल पर हंगामे के आरोपी को सौंपने की मांग पर अड़े थे प्रदर्शनकारी, एहतियातन इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर किया हंगामा, NH-24 पर लगाया जाम। गर्मी में बिजली कटौती से परेशान प्रदर्शनकारियों ने सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के कैराना से पलायन पर बोले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह, घर छोड़कर जाने वालों की दो लिस्ट मेरे पास मौजूद, जांच करके सच सामने लाएंगे। दिल्ली के जगतपुरी में पार्किंग के मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर, नजफगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी से जा रहे दंपत्ति को कुचला, मौके पर हुई मौत, पकड़ा गया ड्राइवर। गुड़गांव में चलती जायलो कार में लगी आग, आग बुझाने के चक्कर में झुलसे ड्राइवर के हाथ। मोगा के एक गांव में आंधी बारिश से गिरी गौशाला की छत, 3 महिलाओं की मौत। दिल्ली में बिजली कटौती पर भड़के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, BSES के अफसरों से कहा, रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त जानबूझकर हो रही है कटौती। सीलमपुर पहुंचे केजरीवाल ने BSES के CEO को लगाई फटकार, कहा फॉल्ट की वजह से बिजली तो मेरे पहुंचने पर तुरंत कैसे आ जाती। के टाइम पे और इस कार के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं करने वाला बात नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत सीरियस है सर, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और आपको भी बोलूंगा। और अब ये लाइट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, आपका इंश्योर करना है और आपके ट्रांसफार्मर हम लगवाएंगे। राइट सर, बहुत अच्छा है, दूसरी सर, दूसरी सर, अगर जमीन नहीं है तो खरीद लेंगे जरूर, लेकिन इनके ट्रांसफार्मर जहाँ जहाँ लगने आप जरा लोगों को बोल के जमीन दूंगा। शहरी के टाइम पे सीएम केजरीवाल ने बिजली वितरण कंपनी BSES को विश्व स्तर की सप्लाई देने में बताया फेल, कंपनी के मालिक को अगले हफ्ते दिल्ली बुलाया। पंजाब चुनाव के लिए केजरीवाल सीख रहे हैं पंजाबी बोलना, रोज 2 घंटे तक गुरमुखी लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी के आगरा में नेशनल हाईवे पर 46 लाख की लूट, बदमाशों ने गन पॉइंट पर व्यापारी को लूटा। मुंबई के नेहरू नगर में ऑटो ड्राइवर ने किया नाबालिग से बलात्कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ हंगामा, इंद्रपुरम के लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के डोडा में मिड डे मील खाकर 6 बच्चे बीमार, स्कूल में लंच करने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंचे। जालंधर में पुलिस ने अगवा प्रॉपर्टी डीलर को छुड़ाया, अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। प्रॉपर्टी डीलर मोहिंदर का कई दिनों से किया जा रहा था पीछा, सीसीटीवी में लगातार कार दिखने से हुआ खुलासा। आगरा कानपुर हाईवे पर बोलेरो सवार बदमाशों ने चूड़ी कारोबारी के नौकर से लूटा 46 लाख का कैश, हुए फरार। नैनीताल घूमने पहुंचे गाजियाबाद के एक दंपत्ति ने गलत पार्किंग में चालान कटने पर जमकर किया ड्रामा, डीएम के सामने पुलिस से की बदसलूकी। दिल्ली के साउथ कैंपस थाने में वियतनाम के डिप्लोमेट के खिलाफ खराब ड्राइविंग की FIR दर्ज, एक महिला ने कराई FIR। दिल्ली के इंद्रपुरी में दबंगों ने एक दुकान में घुसकर की जमकर मारपीट, पुलिस पर पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही केस दर्ज करने का आरोप। 11 जून को पानी फेंके जाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट की आई थी नौबत, सीसीटीवी में कैद है तस्वीरें। दिल्ली में कांस्टेबल परवेश कुमार ने बेहद खतरनाक कार ड्राइव कर रहे शख्स को बाइक से पीछा कर पकड़ा, हादसे की सूचना पर किया था पीछा। सीकर के नेठवा गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल, 5 लाख कैश लूटकर हुए फरार। भिंड में शराब ठेके के सामने से एक चोर ने मिनट भर में चोरी की बाइक, शराब की दुकान के भीतर गया था बाइक सवार। दरभंगा में कारोबारी की हत्या मामले में नया मोड़, परिजनों ने आरजेडी विधायक ललित यादव पर हत्या कराने का लगाया आरोप। झारखंड में भी सामने आया बिहार के फर्जी टॉपर्स जैसा कांड, कोल्हान विश्वविद्यालय के जमशेदपुर विमेंस कॉलेज पर आरोप।
कॉलेज में 650 फेल छात्राओं में से 500 ने स्क्रूटनी के दिए थे आवेदन, सभी को पास किया गया। कॉलेज प्रबंधन की जांच कमेटी के रिपोर्ट में कॉलेज के 10 शिक्षकों और 4 कर्मचारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप। इंदौर चाइल्ड लाइन की टीम ने एक नाबालिग बंधक लड़की को छुड़ाया, असम की लड़की को 24,000 में खरीद कर लाया गया था। संघ की फुल पैंट से उठा पर्दा, गहरे खाकी रंग की होगी पैंट, चित्तौड़गढ़ की 4 मिलों में तैयार किया जा रहा है 10 लाख मीटर कपड़ा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला, जिम्बाब्वे के सामने क्लीन स्वीप बचाने की चुनौती। भारत लगातार 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज पर कर चुका है कब्जा, आज तीसरा मैच भी जीतने की तैयारी। बीसीसीआई ने जारी किया टीम इंडिया के कैप्टन धोनी का वीडियो, जिम में वेट लिफ्टिंग करते नजर आ रहे हैं कैप्टन कूल। यूरो कप में आज पुर्तगाल और नीदरलैंड का मुकाबला, कांटे की टक्कर की उम्मीद। श्रीनगर में निदा नजीर ने पेश की मिसाल, जम्मू कश्मीर की पहली फुटबॉल खिलाड़ी और कोच बनने के बाद इंटरनेशनल मैच खेलने की तमन्ना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर बरसे, ऑरलैंडो में आतंकी हमले के बाद अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की। ट्रंप ने किया ओबामा पर पलटवार, कहा आतंकियों से ज्यादा मुझ पर भड़के ओबामा। जिनेवा में गे कम्युनिटी ने ऑरलैंडो में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, झंडे लहराए और पोस्टर्स में लिखा हम डांस करना नहीं छोड़ेंगे।